हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम बैक हो गया आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से हम सब अच्छे हैं। उम्मीद करते कि आप सब भी अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे। तो आज हम बना रहे करेले का अचार, जो हम एंजॉय करेंगे जवारी की रोटी से। आज सैटरडे है, दावत है, तो ज़्यादा खाना हैवी नहीं बनाया है, तो इसलिए हमने आज करेले का अचार बनाया है। तो ये बनाने के लिए हमको करेला स्लाइस करना है, हल्दी नमक के पानी में उसको भिगो के रखना है, मोटी मोटी बींजें हटा देनी है, पीने के पानी से फिर उसको धो के कढ़ाई में डालना है बघारने के लिए। बघार के लिए आपको चाहिए होगा तेल, ज़ीरा, कड़ी पत्ता, और फिर उठा के डालेंगे आपके स्लाइस करेले, उसके साथ लहसुन और हरी मिर्चे का पेस्ट जो ये बघारने में हमने डाला हुआ है। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, और उसके बाद डालेंगे उसमें हल्दी पाउडर। हल्दी और नमक के पानी में भिगो के रखने से ना कड़वा कम लगता है करेला। और ये है धनिया का पाउडर, हमने ज़ीरा पाउडर नहीं डाला है क्योंकि ऑलरेडी हमने ज़ीरा बघारे में लिया हुआ है। नमक हसबे जायका, स्वाद अनुसार, सॉल्ट टू टेस्ट, उस हिसाब से डालिए। कटी हुई हरी मिर्चें भी डालिए, स्लिट करके डालिए, तो बहुत अच्छा लगेगा, चटपटा बनता है। कड़वाहट तो रहती है क्योंकि करेला तो कड़वा रहेगा ही। और ये है अचार मसाला, ये घर में बना हुआ है फ्रेंड्स, रेडीमेड भी मिलता है। अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मेरी मम्मी को ना घर में पिसे हुए मसाले ज़्यादा पसंद आते हैं। तो अब देखिए हमारा करेला कितना प्यारा लग रहा है, और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी फ्रेंड्स। अब इसको अच्छे से बघार के लिड लगा के हम इसे ढक के रख देंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसमें डालेंगे हम नींबू का रस। हमेशा ठंडा होने के बाद कोई भी चीज़ों में नींबू का रस डालें, अदरवाइज आपकी वो चीज़ है ना वो कड़वी हो जाएगी, ठीक है? तो हमेशा खाना ठंडा होने के बाद उसमें नींबू का रस डालें, जैसे हमने इसमें किया है। अच्छे से निचोड़ के डालें फ्रेंड्स, और उसको करें अच्छे से मिक्स। और उसके बाद उसके ऊपर से हम डालेंगे गार्निश करने के लिए हरा धनिया चॉप करके, और बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स करेले का अचार। एंजॉय करना जवारी की रोटी के साथ या नॉर्मल रोटी के साथ, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगा ये। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं, ये आज का लुक है। आज मैं ये तैयार हुई हूँ, नूर फातिमा बताती हूँ मैं आपको। स्टैंड अप करो ना यहाँ सीधे से। ये आज नूर ने पहना हुआ है फ्रेंड्स। कैसे लग रहे हैं नूर फातिमा? माशाल्लाह, मैंने बताओ। हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड्स मेरी फूफू के घर, तो देखो आज ये मैंने पहना हुआ है। नानी को भी दिखाओ। फूफू के घर पे जा रहे हैं, अभी मगरिब हुई है इसलिए मैं ये दुपट्टा ओढ़ी हूँ, ये दुपट्टा पहन के नहीं जा रही, तो मैं आज जा रही हूँ बाहर। तो मिलते हैं आपसे, वहाँ पे वीडियो लेना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, आपकी खास दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं गई थी बाहर, यहाँ सिटी में आई थी मैं। ये तुलसी बाग है फ्रेंड्स, चितले बंधु का एरिया, जो पुणे में रहते हैं वो ये सब जानते होंगे। तो आज हम यहाँ पर आए थे एक नई जगह की खोज में। हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहे थे फ्रेंड्स, मैंने भी किसी के रिव्यू पे मैं यहाँ आ रही थी, तो मैं देखना चाह रही थी कि यहाँ पे चीज़ें कैसे मिलती है। तो यहाँ पे बहुत ट्रैफिक था, बहुत गड़बड़ थी, क्योंकि दही हांडी आने वाली है इसी हफ्ते में, तो उसी के वजह से ये पूरी तैयारियाँ हो रही थी और रोड पर बहुत गर्दी थी। और गूगल मैप्स की सहायता से हम लोग पहुँच गए जहाँ हमें आना था, और ये था पूरनपुरी घर। यहाँ पे आप लोगों को लाइव पूरनपुरी बना के मिलती है फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी होती है यहाँ की, हमने लेकर आए। और यहाँ जब आप बैठ के खाते हैं तो आपको गरम गरम बना के देते हैं, और ऊपर से घी भी डाल के देते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम था, लेकिन डेफिनेटली हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर विज़िट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ के प्रोडक्ट्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, बहुत क्लीन, बहुत हाइजीनिक तरीके से बने हुए हैं, और स्टाफ भी बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। और हर तरीके की पूरनपोली मिलेगी आपको यहाँ पे, शुगर फ्री, पाइनएप्पल, खजूर, कैरेट, खवा,
हर टाइप की, और चूड़ा नमकीन वगैरह भी बहुत सारे हैं ऑप्शंस आपको लेने के लिए। खाकरा में बहुत सारे ऑप्शंस हैं फ्रेंड्स, लड्डू है, प्रोटीन लड्डू, कैल्शियम लड्डू, मेथी लड्डू, डींग का लड्डू, हर किस्म का लड्डू है फ्रेंड्स, जो बहुत अच्छा होता है। और चिप्स भी है, तो हमने यहाँ से प्रोटीन और कैल्शियम लड्डू भी लिए थे, और खाकरा लिया हमने यहाँ से पूरन पोली, तो डेफिनेटली हम उसी के लिए गए थे क्योंकि खाने का बड़ा मन था लेकिन पकाने का दिल नहीं था। तो ये बिल्कुल भी घर जैसी पूरन पोली होती है फ्रेंड्स, आपको ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर विजिट करना। थोड़ा सा ये वीडियो देख लेना, थोड़ा सा लंबा होगा पर ज़रूर देखना। इनके पास पिकल्स भी होते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए ये भैया हमको गरम गरम बना के दे रहे थे फ्रेंड्स। और किचन कितना साफ है आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे लाइव काम होता है फ्रेंड्स, और ये लोग आपको बना के देते हैं। और मोदक भी है, स्टीम मोदक, ये आपके भाईजान ने ट्राई किए थे और बहुत अच्छा था, तो आप लोग एक विजिट ज़रूर करना। ये पेड प्रमोशन नहीं है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए मैंने आपको शेयर की, जैसे मैं करती रहती हूँ। और ये जो भैया है इन्होंने हमको असिस्ट किया था, ये हमको सारे प्रोडक्ट्स बता रहे थे और हमको बता रहे थे कि ये क्या है वो क्या है, तो इन्होंने हमको लड्डू बताए और खाकरा, और यहाँ पे मैसूर पाक भी है तो उन्होंने वो भी बताया हमको। सॉफ्ट वाला मैसूर पाक होता है ना घी का, वो भी है फ्रेंड्स, वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, ये देखिए मैसूर पाक। तो यहाँ पे बीट रूट चिप्स भी है, सब है। कैसा लग रहा है आपको देख के ये वीडियो? वीडियो पूरा देखना फ्रेंड्स, स्किप मत करना, मैं फिर भी हर चीज़ नहीं कैप्चर कर पाई। ये अंकल शायद यहाँ के ओनर है और बहुत फ्रेंडली है, ये मैडम भी बहुत फ्रेंडली, बहुत अच्छा स्टाफ है फ्रेंड्स, आपको पूरी तरीके से असिस्ट करेगा। प्राइसेस भी एकदम किफ़ायती है, कोई एकदम हाई फाई प्राइसेस नहीं है, बहुत अच्छे प्राइसेस है, और क्वालिटी तो एक नंबर क्वालिटी है। ये देखिए आपके भाईजान खा रहे थे फ़ोन पे बात करते हुए मोदक, ये देखो भैया कैसे रुके हुए। और यहाँ देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सी पूरन पूरी है विद प्राइसेस और इसका एड्रेस। हे फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे आप सब? आज मैं डिनर में बना रही हूँ भूना चिकन। ये बहुत ही सिंपल है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनता है। इसमें मैंने बोनलेस चिकन ली है जिसको मैंने दही, नमक, हल्दी, धनिया, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और दही ज़्यादा है इन सब, और अदरक लहसुन का पेस्ट, इन सब से मैंने मैरिनेट करके इसको रख दिया है। इसका मैरिनेशन कम से कम 3-4 घंटे पहले हो गया है, आप इतने देर नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। ये मैंने रखा है इतने देर, आप थोड़ा 2 घंटे भी रखेंगे तो चलेगा, जितना मैरिनेट होगा ना उतना अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। और ये तड़के के लिए हमारे कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची, हरी मिर्ची को मैंने किया है बीच में से स्लिट, और ज़ीरा, इसको हम डालेंगे गरम कढ़ाई में तेल डालकर। देखो ये अब है फ्रेंड्स, इसमें ना तड़के के लिए ये उड़ेगा तो मैं जल्दी से डाल के पीछे हट जाऊंगी फ्रेंड्स। हाँ डाल दो आराम से, ये नूर फातिमा है फ्रेंड्स, सॉरी मैं आपको अभी नहीं बता सकती बैक कैमरा फ्रंट कैमरा करके। इसको हम अच्छे से क्रिस्प करेंगे, थोड़ा आंच मैंने स्लो रखी है फ्रेंड्स। आवाज आ रही है? ये आवाज मुझे बहुत पसंद है फ्रेंड्स, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे बहुत पसंद है फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्रैकल होता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम करेंगे गैस थोड़ा फास्ट, और जैसा ये थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए ये हमारी सारी चिकन हम इसमें उठा के डाल देंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे और पूरा इसका पानी सुखा देंगे, ऊपर से पानी नहीं डालना है फ्रेंड्स। आपने देखा हमने अभी इसमें चिकन उठा के डाल दिया और इसको खुला रख के ढक्कन पकाएंगे, इसको ढक्कन नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप इसमें ढक्कन लगाएंगे तो इसको और पानी छूटेगा, फिर ये एकदम सालन जैसी बन जाएगी जो हमको नहीं चाहिए। तो ढक्कन हटा के बिना ढक्कन के आप इसको अच्छे से पकाएंगे और इसको स्टर करेंगे 1-2 बार, ज़्यादा स्टर नहीं करना है क्योंकि चिकन बोनलेस है। मैंने सॉल्ट चखा था फ्रेंड्स, मुझे कम लगा था तो इसलिए मैंने थोड़ा सॉल्ट डाला ऊपर से, आप भी आपके टेस्ट के हिसाब से डालो। मैं आपको ऐसे नहीं बता सकती फ्रेंड्स कि 1 चम्मच डालो 2 चम्मच डालो, क्योंकि मैं एक एकदम प्रोफेशनल शेफ़ नहीं हूँ
और सबके घर के मज़े सब लोग अलग अलग अपने हिसाब से खाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है हर कोई अपने घर में शेफ़ है, क्योंकि हम घर वालों के लिए खाना बनाते हैं और हमको पता है हमारे घर वाले क्या टेस्ट का खाना खाते हैं, तो वो हिसाब से मैं अंदाजे से डालती हूँ फ्रेंड्स। तो आज घर में बनी थी फीकी दाल, चावल गरम है चावल, और इसमें थोड़ी सी पाव भाजी थी फ्रेंड्स, जो नूर ने बोले थे रखने के लिए क्योंकि वो खाएगी, ऐसे बोली थी उसने, तो हमने उनके लिए रखे हैं। देखो प्लेन राइस बनाए हमने, तो आज दाल चावल और भुना चिकन होगा। ये अदरक आपको दिख रही होगी क्योंकि हमने आज अदरक लहसुन का पेस्ट बनाए, तो ये देखो हमारे अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये हमारा पुदीने का झाड़ जो अब तो है नहीं लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी सी उम्मीद बाकी है, हम हमेशा नई नई डाली जो भी यूज़ करी हुई पुदीने की होती है तो उसमें लगाते हैं। ये देखो चिकन का पानी सूख रहा है फ्रेंड्स, मैं अब करूँगी इसका गैस कम और इसको अच्छे से पकने देंगे फ्रेंड्स। मैं साथ ही साथ नूर का होमवर्क देख रही थी इसलिए मुझे बार बार हिलाने नहीं हो रहा था, तो हिलाने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि नीचे चिपकता नहीं है। ठीक है, अच्छा बनता है फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करना। मैं गई थी पूरनपुरी घर और फिर उसके बाद ये बनाई हूँ। अब मैं जा रही हूँ नूर का वैक्सीनेशन लेने पीडियाट्रिशियन के पास, तो अभी 5 मिनट में आ जाऊँगी, नंबर वहाँ पे लिखवा के ली हूँ मैंने फ़ोन पर ही। छोटी का सुबह में ही हो गया था फ्रेंड्स और नूर स्कूल से शाम में आती है तो इसलिए हम अभी जा रहे हैं। मैंने मम्मी को बोली हूँ कि चिकन थोड़ी सी देख लो कम पे है, तो अब हम जा रहे हैं वैक्सीन लेने, बूस्टर है उसका। हमारे घर के नज़दीक ही है फ्रेंड्स पीडियाट्रिशियन, तो मैं वहीं जा रही हूँ, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो वैक्सीनेशन लेकर आ गई हूँ, तो देखो हमारी चिकन हो गई है रेडी। मम्मी ने मेरे को कॉल करके बोल दिए थे कि चिकन का गैस बंद कर दिया उन्होंने और बिरिस्ता उसमें चूर के डाल दिए, तो फ्रेंड्स वो आपको नहीं बता पाई लेकिन आप लोग ज़रूर से इसमें बिरिस्ता चूर कर डालिए। हरा धनिया आपको चॉप करके डालना है तो वो भी डालिए, मैंने नहीं डाला क्योंकि मुझे नहीं डालना था, ये कड़ी पत्ता चिकन है तो मुझे हरा धनिया डालने का मन बिल्कुल भी नहीं था। हाँ लेकिन बिरिस्ता चूर के ज़रूर डाला हुआ है तो आप लोग भी ज़रूर डालिए और ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि कैसे बनी आपकी भुना चिकन। पूरा वीडियो देखना, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, आपकी खास दुआओं में याद रखना। आपको पूरन पुली वाला भी वीडियो शेयर करूँगी और करेले के अचार का भी वीडियो शेयर करूँगी, मैं सब शेयर करूँगी जो भी मैं करती रहती हूँ।